खबर चंपावत टनकपुर से। दो दिनों से चल रहे चक्का जाम का हुआ समाधान। टनकपुर के मनिहार गोट गांव में शुक्रवार से खनिज भंडारण का विरोध कर रहे ग्रामीणों का आंदोलन खत्म हो गया। खनिज भंडारण का कार्य आबादी रहे क्षेत्र में चल रहा, जिस कारण वहां रह रहे ग्रामीणों को सड़क पार करते समय किसी बड़ी अनहोनी होने का भय बना रहता। धूल धक्कड़ और शोर शराबे के कारण काफी समस्या का सामना करना पड़ता। ग्रामीणों ने सुबह से लेकर पूरी रात तक खनिज भंडारण के कार्य पर नाराजगी जताई। ग्रामीण तुलसी जयाल ने बताया, सुबह से लेकर पूरी रात तक खनिज भंडारण के कार्य में चल रहे ओवरलोडिंग वाहनों के शोर शराबे और वाहनों द्वारा उड़ाई जा रही धूल से हम बहुत परेशान हैं। इसकी वजह से हम चक्का जाम करने पर विवश हैं। उपजिलाधिकारी ने यहां आकर हमारी समस्या को सुना। उन्होंने आश्वासन दिया, खनिज भंडारण के कार्य को सिर्फ सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक ही किया जाएगा। अगर किसी वाहन द्वारा 7 बजे के बाद खनिज भंडारण का कार्य किया जाता है तो ग्रामीण मुझे फ़ोन कर उसकी सूचना दें। मौके पर पहुंचे उपजिलाधिकारी हिमांशु कफलटिया ने ग्रामीणों और खनन व्यवसायियों से बात कर दोनों पक्षों से समझौता कराकर स्थिति को सामान्य किया। मौके पर पहुंचे SDM हिमांशु कफलटिया ने ग्रामीणों और खनन व्यवसायियों से बात कर दोनों का समझौता कराया। समझौते के मुताबिक खनन व्यवसायियों को हिदायत दी, समय समय पर पानी का छिड़काव कराया जाएगा। बताया, यदि ग्रामीण चाहेंगे तो खनन व्यवसायियों को अपनी भूमि पर आबादी क्षेत्र की ओर की चार दीवारी भी लगानी होगी। आज सुबह अभी आधे घंटे पहले SDM सर आए थे तो हमारी यही बात हुई। हम लोगों ने भी गांव वालों ने ये डिसाइड किया कि एक टाइम से ये लोग डालें, जैसे सुबह 6 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक है। धूल कम होनी चाहिए, आवाज़ कम होनी चाहिए, थोड़ा बच्चों को जो है पढ़ने के लिए डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी SDM सर से बात हुई है तो SDM सर ने यही बोला है कि ये जो आपके हिसाब से जो आपने बोला है वो उसी तरीके से ये लोग काम करेंगे। सेकंड थिंग, सारी की सारी चीज़ें हमें जो है रिटर्न में दी जाएगी। और नेक्स्ट जो है इनका जो है ये टाइम मई तक इनके पास है। मई के बाद जो है सर ने ये बोला है कि जब न्यूज़पेपर में आता है आगे रिन्यूअल के लिए, अगर आप उस टाइम पे एक्शन लेते हैं तो हम इसको रुकवाने की कोशिश करेंगे। और SDM सर ने हमें काफ़ी हमारे मनिहार गोट और ज्ञानखेड़ा क्षेत्र में जो स्टॉकिस्ट हैं और वहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनके बीच में कुछ तनाव और कुछ डिसएग्रीमेंट हो रहे थे और जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें हमें आ रही थी। आज हमारी जो वहाँ पे स्टॉकिस्ट हैं और जो स्थानीय लोग हैं उनसे वार्ता हुई है, जिसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई गई हैं जिनके तहत ही अब वहाँ पे स्टॉक किए जाएंगे, जिससे मुख्यतः इस बात का ध्यान दिया जाएगा कि रात के समय पे कोई भी खनन की गाड़ी उस क्षेत्र में नहीं जाएगी। जो भी उनके क्रियाकलाप हैं वो दिन के समय किए जाएंगे। जो वहाँ पर काफ़ी धूल रहती है, जो आवाज़ रहती है, उसके लिए भी कुछ उसका उपचार किया जाएगा। और इन कंडीशंस के तहत जो वहाँ पे स्थानीय लोग हैं उन्होंने खनन और वहाँ पर जो खनन का स्टॉक है उसके लिए उन्होंने भी अपनी हामी भरी है। खबर भारतवर्ष के लिए चंपावत टनकपुर उत्तराखंड से पार्वती देवी की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।